वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमीव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमयम्। ओम शांति शांति शांति। साइंस ऑफ समाधि इज वन ब्यूटिफुल सब्जेक्ट राइट नाउ। दिस इज द टाइम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस के माध्यम से एक सर्टिफिकेशन होता है, लैब में टेस्ट होता है और फिर सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क्स एंड ऑल थिंग्स आर। तो साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ माइंड। माइंड से हमारा साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इट्स ए इंटेलिजेंट क्वेश्चन के थ्रू इंटेलिजेंट क्वेश्चंस वी आर सर्च दिस सब ट्रूथ इन सबटांस। We are searching truth in substance। हम किसी पदार्थ में सत्य को खोजते हैं और फिर सर्टिफाई की करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने सब्जेक्ट दिया साइंस ऑफ समाधि। साइंस एंड समाधि। साइंस इज अ टेक्नोलॉजी। साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट। साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ माइंड। साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंस एंड समाधि इज अ सब्जेक्ट ऑफ बियॉन्ड सेंस। समाधि इज अ सब्जेक्ट ऑफ बियॉन्ड सेंस एंड कॉन्शसनेस। दिस इज अ स्पिरिचुअलिटी। सो द साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी बोथ आर को रिलेटेड। विदाउट साइंस एंड सेंस वी कैनॉट रीच द स्पिरिचुअलिटी। राइट नाउ दिस इज अ टाइम कि साइंस को हम सपोर्ट में लेके चलें। साइंस इज अ नीड ऑफ द लाइफ राइट नाउ एंड स्पिरिचुअलिटी इज अ डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। अध्यात्म हमारे जीवन के फाइनल डेस्टिनेशन है। साइंस इज अ साधन है। साइंस इज अ व्हीकल। साइंस इज अ सपोर्ट टू रियलाइज, सपोर्ट टू रीच इन आवर डेस्टिनेशन। हम अपने डेस्टिनेशन तक, हम अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए साइंस का सपोर्ट लेना चाहिए। सो देयर इज अ नीड। यहाँ से हमें बहुत जल्दी पहुंचनी है अमेरिका, तो वी कैन रीच थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू फ्लाइट। वी कैन रीच इन 19 आवर्स। सो साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंस एंड समाधि इज अ सब्जेक्ट ऑफ बियॉन्ड सेंसेस।
बट दोनों को रिलेटेड हैं, वैसे ही जैसे संसार और सत्य। सो संसार वर्ल्ड इज अ साधन है, प्लेटफॉर्म टू रियलाइज द ट्रूथ। विदाउट दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड वी कैनॉट रियलाइज द ट्रूथ। यदि संसार न होता तो सत्य की कभी खोज न होती। यदि संसार न होता तो कोई संत भी नहीं पैदा लेता। यदि संसार न होता तो कहीं सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए द वर्ल्ड इज अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म टू सर्च द ट्रूथ। ये संसार एक सुंदर सा प्लेटफॉर्म है जहां हम सत्य और सच्चिदानंद की खोज करते हैं। इसलिए हमने एक ब्यूटीफुल टॉपिक हमें मिला, साइंस ऑफ समाधि। एक ऐसे ही इसी यात्रा के एक यात्री थे। इट वॉज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड एक साधक, एक ध्यानी, एक मेडिटेटर। एकांत में रहने की आदत थी, जैसे संतों की आदत होती है एकांतवास करना, अपनी अवस्था में रहने की कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा अंतरंग। वो कहते हैं ना, बहिर्मुखी दुखी और अंतर्मुखी सदा सुखी। तो एकांतवास में अपनी आनंद में अपनी मौज में रहने की संतों की आदत होती है। एकांतवास में थे, जंगल सुनसान थी। वो अपने जा रहे थे किसी दूसरे स्थान पर, एकाएक उनको सिंह की गर्जना सुनाई दी। इट वॉज अ लायन रोरिंग। एकाएक उन्हें लगा कि मेरा पीछे सिंह है, बिहाइंड माई द लायन इज कमिंग। और सिंह की जैसी कल्पना होती है, एक मन में फियर आ जाती है। बस उनकी पैर तेजी से चलने लगी, जैसे फ्लू अवे, वहाँ से वो भागे, दौड़ने की कोशिश कर रहे। वो तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा लिए, तेजी से चलने दौड़ने लगे एक समय, किंतु थे ध्यानी। ही वॉज ए स्टैंडर्ड मेडिटेटर। अब उन्हें एक समय ऐसा लगा, हम तो ध्यान में, अरे ध्यान में वो जाने लगे, उनकी चेतना जगने लगी। अब जैसे जैसे चेतना जगने लगी, ध्यान की अवस्था में जाने लगे, वैसे वैसे उनकी शाही अंदाज में उनकी पैर भी स्लो हो गई, मानो पैर में स्थिरता आने लगी, मानो शिथिलन सी होने लगी पैर में। क्योंकि जैसे ही वो ध्यानी की ध्यान जगी, चेतना जगी, वैसे ही शरीर के, क्योंकि द फियर इज इन आर माइंड, द फियर इन आर माइंड। हमारे मन में भय होती है, हमारे शरीर में भय होती है। और फिर क्या था, जैसे वो चेतना जगने लगी, वैसे ही शरीर से डिटैचमेंट सा होने लगा, शरीर शांत होने लगा, शिथिल होने लगा, मानो एक शाही अंदाज में आनंद की अवस्था में अब पैर चलने लगी। वो दौड़ना, वो स्पीड, वो सब शांत होने लगा। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो सिंह था। इट वॉज अ लायन, सिंह था, वो भी आ रहा था जैसे शिकार के लिए। जैसे ही उस ध्यानी ज्ञानी ने पीछे देखा अपनी चेतना, तो दोनों की चेतना, इनकी चेतना की अल्फा रेज उस सिंह के अंदर पेंट्रेट हो गई, वो सिंह में समा गई, और वो सिंह की चेतना और इस संत की चेतना एक हो गई। अब सिंह को भी डिटैचमेंट सा होने लगा, अब सिंह के परी शरीर भी शिथिल होने लगा, अब सिंह के उस शेर का पैर भी शिथिल होने लगा। It was the lion, but his leg was slow because he was going to detach. अब उस सिंह का चेतना और उस संत की चेतना एक होने लगी। संत डिटैच हो गए थे, अब वो शरीर में थे नहीं कि शरीर में भय हो, अब वो मन में नहीं थे कि मन में भय हो, भय, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, छल, कपट, घृणा, ये सारा फिजिकली और थ्रू सेंसेस होता है। वो चेतना जगी और वो चेतना की अल्फा रेज उस सिंह को पेंट्रेट कर दी, उस लायन को पेंट्रेट करके अब संत और सिंह दोनों की चेतना एक हो गई। अब शरीर नहीं रहा, अब सिंह शरीर नहीं रहा और संत की भी शरीर में नहीं रहे, वो परम शांति को दोनों प्राप्त हो रहे, दोनों मानो आनंद की मौज में चले गए।
दोनों की अल्फा रेज के माध्यम से चेतना एक हो गई। अब इस संत की शरीर नहीं रही, वो सिंह का शरीर नहीं रहा, अब दोनों चेतना के एक हो गए, अब दोनों की चेतना बहने लगी। उस दोनों इधर भय था संत के शरीर में और उधर सिंह के वायलेंस था, एक अटैकिंग था, दोनों के शरीर लेवल से परे चले गए, दोनों की चेतना एक हो गई। अब वो उधर वायलेंस, उधर अटैकिंग मोड नहीं, और इधर भी शरीर नहीं, इधर फियर नहीं, उधर अटैक नहीं, इधर फियर नहीं, उधर वायलेंस मोड नहीं, अब दोनों की चेतना एक हो गई। इसी को कहते हैं समाधि स्थिति हो गई। एक समाधिस्थ व्यक्ति दूसरे जैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वो जहाँ रहेगा वहाँ हरा भरा वातावरण बन जाता है, वहाँ मानो प्रशांत जीवन का दर्शन होने लगता है। वो मानो किसी बंजर प्रदेश में भी जाए तो वहाँ भी फूल और फल और वहाँ भी बगिया खिल उठती है। तो संत की शांति सिंह को भी शांत कर दी। ऐसे ही घटना हुई होगी महावीर के साथ, ऐसे ही घटना हुई होगी बुद्ध के साथ, ऐसे ही घटना हुई होगी अनंत हजारों हजारों संतों के साथ, ऋषि मुनि मनीषियों, ये घटनाएं घटित होती है, आज भी होती है। आज भी अनेक ऐसे संत हैं जिनके साथ ये घटना घटित होती है। क्या सिंह, क्या कोबरा, क्या हिंसक प्राणी, सब उस आनंद में लीन हो जाते हैं। इसलिए तो संतों के नाम के बाद एक डिग्री मिलती है उनको, जिसको कहते हैं आनंदा, ब्लिस ऑफ लाइफ। ब्लिस ऑफ लाइफ इज अ डिग्री, इट इज नॉट वी कैन परचेज इन मार्केट। द ब्लिसफुल ब्लिस इज अ डिग्री वी कांट गेटिंग इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी राइट नाउ। ये किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं मिलती है। ब्लिस की मीन्स आनंदा, आनंदा इसलिए कहते हैं विवेकानंदा, सचिदानंदा, रमणानंदा, परमानंदा। ये आनंदा 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 क्या है? व्हाट इज आनंदा? आनंदा इज अ कैरेक्टर ऑफ आवर आत्मा, आनंदा इज अ नेचर ऑफ आवर सेल्फ, इट्स अ ब्लिस ऑफ लाइफ, दिस इज द नेचर ऑफ दिस संत। ये संत साधु सत्संगी ध्यानी योगियों का प्रकृति है कि आनंद में रहना। ब्लिस ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड। जैसे ही ब्लिस ऑफ लाइफ होगा, पीस ऑफ माइंड होगा। मन की जो वेव्स होती है, द वेव्स ऑफ माइंड इज, आप देखें किसी, आज तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी आ गया है कि वो मैपिंग भी कर लेते हैं, ऑरा मैपिंग कर लेते हैं, कितनी किसके माइंड की वेव्स है, अल्फा रेज बीटा रेज, ये सारा आजकल देख लेते हैं। तो ये आज इसलिए हमने कहा कि राइट नाउ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ नीड ऑफ लाइफ एंड दिस स्पिरिचुअलिटी इज अ डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। विज्ञान आवश्यकता है जीवन का और ज्ञान जीवन की पूर्णता, जीवन का मंजिल है, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। इसलिए आज हमने टॉपिक लिया साइंस ऑफ समाधि, क्योंकि अष्टांग योग का चर्चा हम कर रहे थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो ध्यान में आज तो हम बैठते हैं, लेकिन उस संत की तरह ध्यान हो कि जागते हुए हो। जो जितना जागा वो उतना ध्यानी बड़ा होता है, जो जितना जागा वो बड़ा से बड़ा ज्ञानी होता है। जागने की द आर्ट ऑफ अवेकनिंग इज कॉल्ड मेडिटेशन, द आर्ट ऑफ कॉन्शसनेस इज कॉल्ड मेडिटेशन, एंड रियलाइज इज ओन कॉन्शसनेस इन द होल एंड सोल इज कॉल्ड एंड इन टोटलिटी इज कॉल्ड समाधि, समाधि। दिस इज कॉल्ड योगा ऑफ एनलाइटेनमेंट इन गीता थ्रू द माउथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, डिवाइन माउथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसलिए भगवान कृष्ण ने सुदर्शन, उनके, अब देखो कितनी अच्छी बात है, सुदर्शन
इतना शक्ति होते हुए भी, इतना ज्ञान उन्होंने गीता का दिया। गीता मीन्स द सीक्रेट ऑफ नॉलेज, सीक्रेट ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। गीता मीन्स वेरी ट्रूथ ऑफ द लाइफ, एंड गीता इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल एपिक बुक। तो कृष्णा के पास एक शस्त्र था जिसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन का अर्थ होता है स्वदर्शन। स्वदर्शन को इंग्लिश में कहें तो सेल्फ रियलाइजेशन, टू एनलाइट योर सेल्फ एंड द लाइफ इज गोइंग टू डिलाइटफुल। हम एनलाइट जब होते हैं तो हमारे जीवन में शुभ घटना ही घटता है, अशुभ की स्थान रहती ही नहीं। देर इज नो डार्कनेस, द डिवाइन एंड डिवाइन लाइट ऑफ द एनलाइटेड वन पर्सन। इसलिए कृष्ण के हाथ में शस्त्र था जिसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन यानी स्वयं का दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। अर्जुन को उन्होंने सुदर्शन ही दिया। और जितने ये गीता के ज्ञानी हैं, गीता को हम रीडिंग करते, रियलाइज करते, चिंतन करते, मनन करते, निधि ध्यास करते, देन वी आर गेटिंग सुदर्शन चक्र। यानी चक्र से हम सारे छूट जाते, वी आर दी बियॉन्ड ऑल चक्रास, वी आर रिलीज ऑफ दी विद ऑल चक्रास, ऑल प्रॉब्लम्स और एंड गोइंग टू स्वदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। स्वदर्शन यानी, और स्वदर्शन ही स्वर्ग का अनुभूति कराता है। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, भोग कहीं किसी और जन्मों में नहीं है। योग हो जाए यानी स्वदर्शन हो जाए, दैट इज कॉल्ड सुदर्शन। इसलिए द ऑल रीडर्स एंड द स्टडी ऑफ द गीतास, हु आर स्टडी गीता, जो गीता का अध्ययन करते हैं, गीता का मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ब्लेसिंग्स एंड गेटिंग वो सुदर्शन चक्र उन्हें मिलती है। वो संसार के सारे चक्रों से मुक्त हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। मुक्त यानी to release with all bondages, to release with all problems and play with problems and enjoy with problems। वो अपनी समस्याओं से मानो खेलना शुरू हो जाते थे। तो कृष्ण के हाथ में जो शस्त्र था वो था सुदर्शन। कहते हैं आप जितना बाहर जाओगे आप छोटे होते जाओगे, बहिर्मुखी छोटा आकार शेप एंड साइज, अंतर्मुखी विराट अवस्था को प्राप्त करना। जैसे जैसे हमें सुदर्शन की शक्ति होगी और एक दिन पूरा सुदर्शन चक्र हमें मिल जाएगा, वैसे वैसे हम विराट को पा लेंगे। इसलिए कृष्ण, भगवान कृष्णा वॉज नॉट गिवेन एनी वेपन्स ऑफ द अर्जुना। अर्जुन को उन्होंने कोई शस्त्र नहीं दिया, और सबसे बड़ा शस्त्र दिया जिसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन दिया, सेल्फ रियलाइज करवाया। यानी गीता का यदि की वर्ड हम ले ले तो डेट इज योगा ऑफ एनलाइटेनमेंट। एनलाइट यानी एनलाइट योर सेल्फ एंड डिलाइट ऑफ योर लाइफ। एनलाइट योर सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ। अर्जुन को उन्होंने जगाया। अर्जुन बाहर बाहर जो उसे अर्जुन को लगता था कि हमें बहुत नॉलेज हो गई है, शस्त्र का नॉलेज हो गया है, तो सेंस में जो अर्जुन था, सेंस से सुपर कॉन्शसनेस की जर्नी भगवान श्री कृष्ण ने कराया थ्रू द नॉलेज ऑफ गीता। गीता के ज्ञान के माध्यम से ज्ञान दृष्टि, देह बुद्धि से आत्म बुद्धि जागृत हुई, और परमानंद ही है और आत्मा परमानंदमय हो जाए, फिर काहे का भय, काहे का रोग, काहे का राग, काहे की द्वेष। फिर इन सारे बाउंडेशन यानी चक्रों से को काट के मनुष्य, यानी जब जब कोई चक्र आए, जब जब हम चक्रव्यूह में फंसे, तो सुदर्शन का उपयोग करना। द यूज ऑफ योर सेल्फ एनलाइटमेंट पावर, द यूज ऑफ योर एनलाइटेंट पावर। जैसे वो संत के साथ में उन्हें सुदर्शन मिली थी, वो संत एकांत में थे, जंगल में थे, सिंह की आवाज आई, सिंह की गर्जना हुई, साधारण कोई व्यक्ति होता भागने लगता, जान बचा के भागता,
एक क्षण के लिए उस संत को भी लगा कि चलो इस स्थान को छोड़ो, चलो भागो। एक दौड़ने का प्लान हुआ, दौड़ना शुरू भी कर रहे थे, शुरू भी कर दिया था उन्होंने भागना, उसी क्षण उनकी चेतना जगी। अरे मैं शरीर कहाँ, भय तो शरीर को है, शरीर भाग रहा है मैं नहीं, भय शरीर को है, भय मन को है, शरीर भाग रहा, इसलिए शरीर उन्हें भगाने लगा, मन भगाने लगा, लेकिन चेतना उनकी स्थिर थी। चेतना यानी सच्चिदानंदा, चेतना की स्थिरता ही ब्रह्म है, दर्शन है। इट वॉज द कॉन्सियसनेस ऑफ द सुपर कॉन्सियसनेस, वो स्थित प्रज्ञ की अवस्था थी उनकी। अब चेतना उनकी जागृत हो गई, ध्यानी थे वो, ज्ञानी थे वो। अब जैसे ही चेतना जागृत हो गई, शरीर शिथिल होने लगा, शरीर रुक गया, फिर भय समाप्त हो गया। द फियर ऑफ दिल, जो फियर शरीर और मन में था वो फियरलेस होने लगा। अब वो शरीर नहीं थे, फिर शरीर भागे कैसे, बिना चेतना के बिना प्राण के शरीर निर्जीव है। इसलिए कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कही है, हे अर्जुन मैं संसार के सभी जीवों में जीवात्मा रूप में चैतन्य हूँ, सदा चैतन्य हूँ, वर्तमान हूँ, प्रेजेंट हूँ, प्रेजेंस हूँ, सदा वर्तमान हूँ, न मैं आता हूँ न मैं जाता हूँ, न मेरा जन्म है न मेरा मृत्यु है, मैं स्वयंभू हूँ। ऐसे श्री कृष्ण की वाणी थी। हे अर्जुन मैं इस संसार के सभी प्राणियों में प्राण रूप में चैतन्य हूँ, वर्तमान हूँ, सदा प्रेजेंस हूँ, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, मैं और विराजमान हूँ, मैं राम हूँ, कृष्ण हूँ, गोविंद गोपाल नारायण हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड के का क्रिएटर हूँ, जनरेटर हूँ, और इस ब्रह्मांड के अनु अनु में मेरी ही चेतना कार्य कर रही है। अब माई कॉन्सियसनेस इन द होल ऑफ दिस ब्यूटिफुल यूनिवर्स, इन दिस टोटलिटी, ब्रह्म में, ब्रह्मांड में मेरी ही, मैं ही, मेरी ही चेतना से मॉलिक्यूल्स क्रिएट हुआ, और उन मॉलिक्यूल्स में मैं ही एटम्स के फॉर्म्स में हूँ। एटम्स कहते ना, एक एटम बॉम्ब्स कितनी पावरफुल होती है, यानी हर व्यक्ति में इतनी पावर है कि हर व्यक्ति के अंदर अनंत पावर है, हर व्यक्ति में विशाल भंडारण है शक्ति का। ये मैं नहीं कर रहा, दिस वॉज टोल्ड बाई थ्रू गीता ऑफ द कृष्णा। इसलिए उस संत की जो फियरलेस होने लगी, और इधर सिंह का, लायंस का अटैक होना था, लेकिन संत और सिंह की चेतना एक हो गई, और फिर वायलेंस समाप्त हो गया, द्वैत समाप्त हो गया। द्वैत यानी दो होने से ही वायलेंस होती है, दो होने से ही झगड़े होते हैं, दो होने से ही द्वेष होता है, राग होता है, ईर्ष्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है। वो दो समाप्त हो गए, अब दोनों एक हो गए थे, तो दोनों जब एक होते हैं तो वहाँ नम्रता आ जाती है, पोलाइटनेस आ जाती है, प्रेम आ जाती है, क्योंकि चेतना ब्रह्म है, प्रेम स्वरूप है, ब्रह्म है, प्रेम स्वरूप है। इसलिए क्रिएशन हुआ, जहाँ प्रेम होता वहाँ क्रिएशन होता है, जहाँ ईर्ष्या होती वहाँ विघटन होता है। आप देखो, दूध से दही अगर जमना है तो दूध को बहुत ही स्थिर जगह पर रखा जाता है, उसमें जोरन दही थोड़ी सी डाल के बहुत ही स्थिर जगह पर रखा जाता है, वो हिले डुले नहीं, डिस्टर्बेंस ना हो, तो आफ्टर 10 आवर्स 15 आवर्स दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। डैट इज़ कॉल्ड योगर्ट, योगर्ट योग हो जाता है, दूध का दही जम जाता है और दही की समय सीमा बढ़ जाती है। फिर उस दही से मक्खन बना लो, फिर घी बना लो, उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। तो जितना हम मंथन, चिंतन, मनन और निधिध्यास करेंगे, उतना ही हमारी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। एक एक योगी अपना जीवन 200-300 बरस थे, देवराहा बाबा थे 300 बरस। किसी ने कहा कि हमारे पिताजी भी उनको ऐसे ही देख रहे हैं और हम भी उनको ऐसे ही देख रहे हैं,
मानो बाबा जी की जैसे उम्र एज कांस्टेंट हो गई हो, रुक गई हो। तो शरीर वेरिएबल होता है, चेतना वेरिएबल नहीं होता। द करेंट इजंट वेरिएबल। वी कैन रियलाइज दिस ब्यूटिफुल ट्रूथ थ्रू द साइंस ऑफ समाधि। सो साइंस ऑफ समाधि इज अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट। हम सबको यह रियलाइज करना चाहिए। इसलिए हमने बोला वन साइड इज अ साइंस, साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंस, एंड समाधि इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेल्फ कॉन्शसनेस सोल। समाधि इज अ सब्जेक्ट ऑफ सोल एंड साइंस इज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंस। दोनों को एक कर दे दो, फिर साइंस के माध्यम से हम समाधि तक की यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो, कोई साइंटिस्ट सर्च करता है, वो भी सर्च करता है समाधि तक यानी सत्य को जानने का, और एक संत भी सर्च करता है सत्य तक को जानने के लिए। दोनों की यात्रा समाधि की यात्रा होती है। बट वन साइंटिस्ट इज सर्च द ट्रूथ थ्रू सब्सटेंस। एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थ्रू सेंसेस, थ्रू इंटेलिजेंट क्वेश्चंस सर्च द ट्रूथ इन सब्सटेंस इन द लेबोरेटरी। वो लैब में, वो केमिकल्स, वो बहुत सारे लैब में वो सर्च करते रहता है। बट वन सेंट, वंस एक संत, संत भी एक वैज्ञानिक ही है, एक साधु, एक मुनि, एक ऋषि, एक मनीषी भी शोध करता है सत्य का, समाधि तक पहुंचने के लिए अपनी इस परम चैतन्य शरीर रूपी ब्रह्मांड के माध्यम से। दोनों साइंस है। द सर्चिंग इज कॉल्ड साइंस। खोज किया जाए। अब विषय यह है कि खोज हम कर रहे हैं, एक सेंस के थ्रू खोज कर रहे हैं और दूसरा थ्रू द कॉन्शसनेस। जहाँ सेंस स्टॉप होने लगता, शांत होने लगता, वहाँ कॉन्शसनेस हमारा जागृत होने लगता। आर सेंसेस इज गोइंग टू इनर कॉन्शसनेस। हमारा आँख का देखना बंद हो जाए, कान का सुनना बंद हो जाए, हमारे नाक का जो स्मेलिंग पावर है वो धीरे धीरे इनर कॉन्शसनेस में चला जाए। धीरे धीरे ये सारी सेंसेस अंदर एक आत्मीय अवस्था में स्थिर हो जाए, इन सोल कॉन्शसनेस में चली जाए, तो धीरे धीरे हमें सुपर कॉन्शसनेस रियलाइज होने लगता है। दिस इज ऑल्सो वन साइंस ऑफ द समाधि एंड वन साइंस ऑफ द ट्रूथ, सर्च द ट्रूथ। दोनों खोज है, एक वैज्ञानिक की खोज है और एक संत का खोज है, और दोनों का खोज एक ही है, एक सब्सटेंस के माध्यम से और एक स्वयं के शरीर को अपना लेबोरेटरी बना के, अपना प्रयोगशाला बना के खोजता है। दोनों की प्रयोगशाला है, एक मटेरियल प्रयोगशाला बनाता है, लेबोरेटरी क्रिएट करता, और दूसरा एक डिवाइन लेबोरेटरी। दिस लेबोरेटरी इज बिल्डअप विथ 5 एलिमेंट। हमारा ये शरीर रूपी लेबोरेटरी कोई बीट से नहीं। आर बॉडी इज नॉट बिल्डअप विद बीट्स, कंक्रीट एंड सीमेंट। हमारा शरीर सीमेंट, कंक्रीट और बीट्स से क्रिएट नहीं हुआ है, नहीं बना है। आर बॉडी इज बिल्डअप विद स्पेस। इसलिए जितना स्पेस है ब्रह्मांड में, उतना ही हमारे शरीर में भी स्पेस है, हमारे इसमें ब्रेन में। इसलिए तो कहते हैं हम 10% ही, वी आर यूजिंग आर माइंड ओनली 10%। वी कैन यूज आर माइंड ह्यूज, वी कैन यूज आवर माइंड ह्यूज। हम ज़्यादा से ज़्यादा और जितना हो सके यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितना ब्रह्मांड में स्पेस है उतना हमारे ब्रेन में भी स्पेस है। क्योंकि हमारा बॉडी सीमेंट, कंक्रीट और बीट्स से नहीं बना है। बालू, कंकर और सीमेंट से शरीर नहीं बना है। और बॉडी इज बिल्डअप विथ, हमारा शरीर आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी से बनी है। हमारे शरीर में 5 महाभूत है, इसीलिए शरीर भी एक ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में जो चेतना है वो ब्रह्म स्वरूप है। हम भ्रमज, वी आर इन डाउट बिकॉज वी आर लिविंग लाइक अ जीवा। हम डाउट में हैं, हम भ्रम में हैं, इसलिए हम जीव की तरह जीते हैं। इसलिए हमारा हाल भी जीव की तरह ही है। हर कोई आज दुखी है क्योंकि वी आर लिविंग लाइक अ जीवा। वाई नॉट वी रियलाइज शिवा,
Swami Vivekananda, again and again, so many times he was called. He was called, we are not Jiva, we are Shiva. Shiva resides in every Jiva. Har Jiv mein Shiv hai, Shiv hi hum shab hain. Aur usi ko chilla chilla ke 2000 वर्ष पहले हमारे आद्य शंकराचार्य ने कही, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम शिवो हम. फिर भी हम जियो हम जियो हम, हम रोते रहते हैं, को हम को हम को हम. जीवा 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 का आचरण ही है रोना, जबकि शंकर शंकराचार्य ने उस समय कह के गी, वी आर शिवा चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम शिवो हम. न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता च जन्म. न मृत्यु न शंका, जब मृत्यु ही नहीं, इसलिए हमने कल कहा, यस्टरडे आई वाज टोल्ड, मृत्युंजय मृत्युंजीत हम बन सकते हैं. मृत्युंजय हमारी अवस्था है, हम अमृतेश्वर पुत्र हैं. मृत्युंजय यानी मृत्यु पर जय हम कर सकते हैं. इसलिए आद्य शंकराचार्य ने कही, न मृत्यु, मृत्यु है ही नहीं, न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता च जन्म. आप देखो, ये शरीर में चेतना है, तो ये शरीर की एक उंगली को भी आग में डालो, फायर में डालो, अग्नि में डालो, तो इतना जलेगा, इतना हमें, इतना हम परेशान हो जाएंगे. क्योंकि और उसी इसी शरीर को विदाउट सोल, विदाउट चेतना, विदाउट प्राण के, जब किसी की मृत्यु हो जाती है, शरीर छोड़ता है, तो पूरा शरीर अग्नि में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो रियलाइज हु आर यू. If you are body, you are jiva. If you are chetana, if you are pran shakti, if you are atma, you are a paramatma. So realize this beautiful. और कब realize करेंगे? और जब तक ये realize नहीं करेंगे, तब तक हमारा अवस्था एक जीव का, एक दुखी प्राणी की तरह ही होगा. आप कितना भी प्रयास कर लो सुखी होने का, कभी सुखी नहीं हो सकते हैं. क्योंकि हर सुख के पीछे शेर भर दुख है, हर सुख के पीछे क्यूब में दुख आ रहा है, और हर दुख के पीछे क्यूब में सुख आ रहा है. सो अपश्विद सुखा एंड दुखा, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थन. न दुख है न सुख है, न पुण्य है न पाप है, ये सारा शरीर से रिलेटेड ये सारा कुछ घटनाएं हैं जो घट रही है. सो द नो द साइंस ऑफ समाधि, साइंस ऑफ समाधि को रियलाइज करो. जैसे उस उच्च स्टेज के संत की अवस्था थी, शरीर को एक क्षण भय हुआ, मन को एक क्षण भय हुआ, किंतु चेतना, चेतना की एकाग्रता थी, चेतना की एकाग्रता जगी, वैसे ही समाधि की अवस्था का ध्यान हुआ, चेतना जगी. और चेतना तो विशाल ब्रह्मांड को चला रही है, पूरा ब्रह्मांड उस चेतना से ही तो चल रहा है. आप देखो जहाँ कैसी चेतना है, कैसा सेंस है ये यूनिवर्स में, इट इज़ द यूनिवर्सल सेंस. कि जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ बारिश होता है, क्लाउड फॉर्म होता है, नहीं तो आप पाइपलाइन लगा के बारिश नहीं कर सकते हैं. कैसी चीज़ें हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मेकिंग क्लाउड एंड कंडेंसेशन एंड देन रेन. पानी एब्जॉर्ब होता है, बादल बनता है. कितना अच्छा सेंस है कि बादल मूव करता है हर जगह, और जहाँ ज़रूरत होती है हर जगह रेन होता, बारिश होता है. कैसी सेंसर लगी है, चेतना है, कि समुद्र का हैवी सॉल्टेड वाटर, खारा पानी भी एब्जॉर्प्शन होके बादल बन के बारिश के माध्यम से मीठा बन जाता है. अब जाए राजस्थान में लोग बड़े बड़े कुआं बना रखे हैं, बेल बना रखे हैं, पानी को रिजर्वायर करते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं और उसे पीने की यूज. पता नहीं वो समंदर से एब्जॉर्ब हो के आया कि नदी से आया, समंदर बड़ी बड़ी है, ज़्यादा तो एब्जॉर्प्शन वहाँ से होगी. लेकिन पानी कैसी नेचुरल, नेचुरल लॉ ऑफ नेचर है कि सॉल्टी वाटर कन्वर्ट इन स्वीट वाटर. एक 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 सॉल्टी वाटर, एक खरा से खरा नमकीन पानी भी मीठा बन जाता है. दिस इज़ द साइंस ऑफ सुपर कॉन्सियसनेस.
सो रियलाइज द साइंस ऑफ सुपर कॉन्शसनेस एंड प्रैक्टिस थ्रू योगा एंड रियलाइज योर सेल्फ. जागो जागो भागो नहीं. तोरो जंजीरे जिनसे जकड़े हैं पैर आपके, वे सोने की हैं तो क्या कसने में हारे. भगे भले भाग्य भेजे जीवन में अभिशापों की आंधी, जान न पाया किसने अंधेरे में राह हमारी बांधी. ए वीर पल भर तो कर्म क्षेत्र में डटे रहो, विजय लक्ष्मी आएगी ही कर्म क्षेत्र में डटे रहो. भागने वाले को कुछ नहीं मिलता है, जागने वाले को मिलता है. स्वामी विवेकानंद के गुरुदेव ने एक क्षण में समाधि का एहसास तो करवाया, लेकिन नहीं. आज लोगों को लगता है अध्यात्म को भी क्षण भर में पालो, सब कुछ मिल जाए. द स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ मटीरियल टू बी परचेज इन मार्केट. किसी बाजार की वस्तु नहीं है अध्यात्म और समाधि और ध्यान की खरीद के ले आओ और बस भोग लो. इसके लिए हमें साधना और सद्गुरु की कृपा, ब्लेसिंग्स ऑफ सद्गुरु एंड साधना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. स्लोली स्नेह स्नेह करके फिर हम सब कुछ पा सकते हैं. नथिंग इज इम्पॉसिबल दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड. ये सुंदर संसार हमारी उपभोग के लिए ही है, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर है. वी आर द सन ऑफ द सुपर पावर, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सुपर पावर. हम उस परमात्मा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और परमात्मा के बच्चे परमात्मा जैसे ही शक्ति होती है. ये सारा सत्ता हमारी सेवा में लगी हुई है. द अर्थ इज गिविंग, मदर अर्थ इज गिविंग सो मेनी थिंग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सो मेनी खाने की चीज़ें. क्या नहीं है जो पृथ्वी नहीं दे रही है माता, मदर अर्थ. आकाश देखे कितना बड़ा काम कर रहा है, स्पेस वर्षा करता है, हर कुछ देता है. सूर्य देव जल के हमें चेतना देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. ये सारा ब्रह्मांड हमारी सेवा के लिए लगी है. सो रियलाइज योर सेल्फ, हु आर यू. द प्रैक्टिकली थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ योगा वी कैन रियलाइज व्हाट इज द साइंस ऑफ समाधि. ओनली वी कैनॉट एक्सप्लेन थ्रू द वर्ड्स ओनली, एंड यू कैनॉट रियलाइज थ्रू द वर्ड्स ओनली. सो रियलाइज थ्रू प्रैक्टिस ऑफ द योगा. प्रैक्टिस योग का करें, किसी भी आसन में बैठ के कुछ समय आसन का अभ्यास करें. बहुत सारे आसन है जो हमारे ऋषियों ने इसलिए बनाया है कि हम नेचर से जुड़े, प्रकृति से जुड़े, परमात्मा को रियलाइज कर लें. आसन करें, आसन के बाद में हम प्राणायाम करें किसी भी आसन में बैठ के. फिर प्राणायाम के बाद प्रत्याहार करें. हम बाहर जो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही थी उसे हम सील अंदर ले आए. अपनी चेतना को मनोभाव से हम पूर्ण मनोयोग से अपनी चेतना का उपयोग पूर्ण मनोयोग से फिर जीवन हमारा धाराएं चले साधन संयम योग से. तो चेतना की एकाग्रता ही हमें शांति देगा, और चेतना की एकाग्रता शांति, और शांति से जीवन हमारा प्रशांत जीवन बन जाएगा. इसलिए प्रत्याहार यानी हम अपनी ऊर्जा को बर्बाद ना होने दे. डोंट वेस्ट योर एनर्जी. एनर्जी को हम सेव करने लगे, अब वो एनर्जी जो बाहर बह रही थी अब वो अंदर बहने लगी, अब वो स्थिर होने लगी, अब वो रिवाइटलाइज होने लगी, अब वो रिजर्वायर होने लगी. उस एनर्जी का उपयोग करके हम एनलाइटन हो सकते हैं. वी कैन एनलाइट आर सेल्फ, वी कैन रियलाइज आर सेल्फ, और हमें भी भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन यानी स्वदर्शन हो जाएगा. और स्वदर्शन ही स्वर्ग है, स्वदर्शन ही स्वास्थ्य है. जो जितना स्वस्थिति में रहता है वो उतना ही सुखी रहता है, संपन्न रहता है. जो जितना बहिर्मुखी होता वो उतना ही दुखी रहता है और विपन्नता आती है. इसलिए रहे स्वमुखी, जितना हम स्वमुखी होंगे उतना ही हम स्वस्थ होंगे. इसलिए स्वमुखी होने की कोशिश करें, ना कि बहिर्मुखी होने की कोशिश करें. दुनिया बहिर्मुखी है, कमाता है खाता है, हैंड टू माउथ हैं. हम भले ही अहंकार में कह ले कि अरे हम तो बहुत ही वी आर रिच, बट नो,
योर हैंड टू माउथ। आप रात में अपनी एनर्जी रिजर्व करते हो, अपनी एनर्जी कलेक्ट करते हो थ्रू डिवाइन नेचर, थ्रू डिवाइन लॉ ऑफ नेचर। हम सोते हैं, सोने के बाद सुप्ताशन अवस्था के माध्यम से हम निद्रासन में जाके एनर्जी कलेक्ट करते हैं और फिर दिन में उसको खर्च करते हैं, फिर रात में कलेक्ट, फिर दिन में खर्च, फिर रात में कलेक्ट एंड दिन में उसको एक्सपेंस करते, खर्च करते रहते हैं। सो वी आर ऑल हैंड टू माउथ। इसलिए हैंड टू माउथ को छोड़ो, कलेक्ट करो एनर्जी को एंड रियलाइज करो। सो एनलाइट योर सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, दिस इज द मंत्रा ऑफ द लाइफ। और जितना हम अपनी एनर्जी को, जितना हम अपनी स्थिति में रहेंगे, स्व स्थिति में रहेंगी, उतना ही हमें स्वातंत्र का अनुभूति होता है, स्वातंत्र की अनुभूति होती है, उतना ही स्वच्छता पवित्रता हमारी बनी रहती है, क्लीननेस ऑफ माइंड एंड बॉडी बनी रहती है, शुद्धता बनी रहती है। और शुद्धता जहाँ हो वहाँ सरस्वती होती है, और जहाँ सरस्वती हो वहाँ महालक्ष्मी होते हैं, और जहाँ महालक्ष्मी हो वहाँ वेंकटेश यानी भगवान विष्णु का वास होता है। तो लो, लक्ष्मी की भी कृपा हो गई, विष्णु की भी कृपा हो गई, सबकी कृपा हो जाए यदि हम अपनी स्व स्थिति बना के रखें। और भगवान श्री कृष्ण का स्पेशल ब्लेसिंग हमें मिलता है जिसे कहते हैं सुदर्शन, यानी स्वदर्शन होते ही हमें दर्शन चक्र मिल जाता है, वेपन्स मिल जाता है, जिसके माध्यम से हम वी कैन कट ऑल आर प्रॉब्लम्स, ऑल आवर चक्रव्यूह को हम काट सकते हैं संसार की, और स्वतंत्र होकर जीवन यापन करें। इन्जॉय योर सेल्फ एंड इन्जॉय योर सेल्फ। स्वयं से स्वयं को आनंद बनाने की जो क्रिया है, कला है, वो है थ्रू द साधना, थ्रू द ब्लेसिंग्स ऑफ सदगुरु। इसलिए बी हैप्पी एंड बी ओन इन योर ने टू स्टे ओन योर नेचर। सदा खुश रहे, सदा आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, आरोग्य हो हमारे जीवन में। फिर यश लक्ष्मी, कृति लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, गजांत लक्ष्मी, महालक्ष्मी की हम पर कृपा सदैव बनी रहेगी। जय जय रघुवीर समर्थ। एक लंबी गहरी श्वास भरे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, कोरोना का हो खात्मा, पापों का हो खात्मा। निष्पक्षी को भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंद्वी को मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। जय जय सद्गुरुदेव समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। हरि ही ओम, शांति ही, शांति ही, शांति ही।